करीब 4 माह बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत में उछाल आया है। इसी पर जनता कितनी परेशान है और कितना जनता की जेब पर असर पड़ेगा, इसी पर हम बात करते हैं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ले रहे लोगों से। जी, क्या नाम है? ना, मेरा नाम संजय चौहान है भाई साहब। पेट्रोल बढ़ा है, फिर एक बार क्या कहते हैं भाई साहब? पेट्रोल गया, हर चीज़ के दाम निरंतर रूप से बढ़ते जा रहे हैं। हर महंगाई ने इस तरीके से चरम सीमा को रहा है इस वक्त कि आम लोग जो है खाने पीने से हर चीज़, अब गाड़ी तेल का मतलब ये बढ़ने का मतलब ये है कि हर चीज़ पे रेट बढ़ जाना, क्योंकि जितना भी आयात निर्यात होता है उसमें जो है गाड़ियाँ आती है जाती है, उनका तेल पे रेट बढ़ेगा तो सामान सब महंगा हो जाएगा। और आम जनता जो है ना खाना पीना हर चीज़ का रोल, मतलब कि दुर्भाग्य है लोगों का कि ना तो रोज़गार के साधन है किसी प्रकार से, अच्छा किसी भी प्रकार से आदमी चारों तरफ से कमाना सोचता है कि भाई किसी से अपने बच्चे का, बच्चे को पढ़ाए लिखाए, निरंतर जीवन चलाए, लेकिन जब कोई आमदनी का साधन नहीं होगी, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसको कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो साधन खत्म होते जा रहे हैं। कोई निरंतर रूप से कोई भी अभी तक जो है मेरे ख्याल से कई सालों से मैं कह रहा हूँ कि कहीं भी जो है कोई फैक्ट्री नहीं लगाई गई, ना किसी लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है, हर इसका जीवन को बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा आने वाले। बिल्कुल, पेट्रोल बढ़ेगी तो गैस भी बढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे के ये तो समावेश है, दोनों का आपस में बढ़ेंगे और जीवन पे इस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है कि मतलब कि आम आदमी इतना परेशान हो गया है कि लेकिन बच्चों से भाग नहीं सकता, जब समाज से भाग नहीं सकता, रहना भी उसको, करना भी, खाना भी, सब काम करना पड़ता है, लेकिन निरंतर रूप से जीवन व्यवस्था खराब हो गई। तो ये थे हमारे साथ यहाँ की जनता, साफ तौर पर उनका कहना है, हालांकि सरकार से भी इन्होंने निवेदन किया है कि कहीं ना कहीं महंगाई को रोका जाए ताकि जो लोग हैं वो अपना जीवन सही से जी सके। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय कुंडी, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार।